हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग लंजे से मिलने के लिए आया था। तब लंजे थोड़ा जेलस था क्योंकि विंग ने आज पूरा दिन जोई रंग के साथ टाइम स्पेंड किया था। एक्चुअली विंग ने नहीं किया था, बट लंजे को ऐसे लगा कि विंग को बहुत अटेंशन मिला, बट विंग ने लंजे को मना लिया। देन विंग लंजे के बेल के ऊपर अपने सिर रख के चुपचाप बैठा हुआ था एंड वो दोनों ऐसे ही कुछ टाइम के लिए साइलेंट थे। एंड देन फाइनली लंजे ने पूछा, तुम्हारा मीटिंग कैसा गया? तो विंग ने कहा, ओ हाँ। ये बोल के विंग ने अपने पॉकेट से 3 लेटर्स निकाला एंड लंजे के हाथों में दिया और कहा, ये प्रिंस हुसैन ने भेजा है। उन 3 लेटर्स में से 1 लेटर सिर्फ लंजे के लिए था। तो विंग ने कहा, ये लेटर सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो लंजे ने उस लेटर को एक ड्रॉयर पर रख दिया सेफली। एंड देन वहाँ पर 2 लेटर्स और थे जो बिल्कुल सील्ड थे। उन लोगों ने उसे ओपन किया एंड वो लेटर्स पढ़ा। उन लेटर्स में 3 किंगडम्स का सिचुएशन लिखा हुआ था, जो सबसे बड़ा किंगडम है, जिन किंगडम, यांगमेंग किंगडम एंड गुसु किंगडम। वहाँ पे लिखा हुआ था कि गुसु किंगडम का हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहाँ का करंट टेम्परर जेबोचुन का तबीयत ख़राब है, तो अभी पूरे किंगडम में जिंग डोंगयाओ राज कर रहा है एंड उसके वजह से गुसु का हालात बहुत ख़राब हो चुका है। गुसु का ज़्यादातर मनी वेन क्लैन में आ रहा है एंड वो जिंग ग्वांग्याओ भेज रहा है। एंड जिंग ग्वांग्याओ ने यह भी डिसाइड किया है कि वो जिंगशी को तोड़ देगा एंड एक नया बिल्डिंग बनाएगा। एंड अंकल कुरेन को लंग इन्फेक्शन हुआ है, उनका हालत बहुत ख़राब है। ये सब देख के लंजे को बहुत बुरा लग रहा था, उसका हाथ पैर कांप रहा था। एंड ये देख के विंग के अंदर गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। वहाँ पर यांगमेंग के बारे में भी लिखा हुआ था। वहाँ पर लिखा हुआ था कि यांगमेंग का राजा जियांग फैंगमिंग का मौत हो गया है वेन क्लैन के वजह से एंड उनका हालत भी बहुत ही ख़राब था। बट जियांग फैंगमिंग का बेटा जियान वाइन वो अभी करेंट राजा है एंड वो सब कुछ संभाल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके से। एंड वहाँ पे जिन क्लैन के बारे में भी लिखा हुआ था। वहाँ पे लिखा हुआ था कि जिन क्लैन के क्राउन प्रिंस जिन जिशुआन का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो भी अचानक से एंड उनकी वजह से उनका शादी टूट चुका है यांगमेंग के प्रिंसेस जियान यानली से। तो अगर जिन जिशुआन का मौत हो जाता है तो पूरे किंगडम में लड़ाई लग जाएगा उस थ्रोन को पाने के लिए। ये सब देख के विंग कह रहा था, लंजा क्या तुम्हें लगता है कि जिन जिशुआन को पॉइजन दिया गया है? लंजा ने कहा, हो सकता है, जिन क्लैन वेन क्लैन की तरह ही बहुत ही बड़ा है, तो इसका पॉसिबिलिटी है। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा टेंशन फील हो रहा था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो विंग ने वेंशु के साथ जो एग्रीमेंट किया था अपनी सिस्टर की शादी को लेकर, वो टूट सकता है एंड सब कुछ बिगड़ सकता है। अगर जिन जिशुआन मारा गया तो थ्रोन जिन जिशुन को मिलेगा एंड वो ये शादी करके ही छोड़ेगा, वो ये सब एग्रीमेंट नहीं मानेगा, तब क्या होगा? जब विंग ये सब सोच रहा था, लंजा ने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? तभी विंग ने कहा, मैं अपनी सिस्टर के बारे में सोच रहा हूँ, वो तो। तभी विंग को याद आया कि लंजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि मैंने वेंशु के साथ तुम्हारे लिए वो एग्रीमेंट क्यों माना था एक्चुअली। ये बोल के विंग रुक गया। तभी लंजा ने कहा, विंग तुम मुझे तब बताना जब तुम रेडी फील करोगे। लंजा ने ये बातें बहुत ही सॉफ्टली कहा। ये देख के विंग को बुरा लगा क्योंकि लंजा ने उसके बारे में सब कुछ उसे बताया है, बट विंग ने अभी तक अपने बारे में लंजा को कुछ भी नहीं बताया है। तभी विंग ने लंजा के हाथों से लेटर्स को लिया एंड साइड में रख दिया एंड लंजा के दोनों हाथों को पकड़ा एंड एक डीप शाई किया। एंड देन उसने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया। उसने सब कुछ बताया कि वो क्यों इस एग्रीमेंट पे राजी हुआ था एंड उसने क्यों ये सब किया था। ये सब सुनने के बाद लंजा ने विंग के हेड को अपने चेस्ट के ऊपर रखा एंड विंग ने भी लंजा को टाइटली पकड़ लिया। उसे बहुत ही हल्का फील हो रहा था, उसे फील हो रहा था कि उसके अंदर से एक बर्डन चला गया। कुछ मोमेंट बाद विंग ने अपने हेड को ऊँचा किया एंड लंजा की तरफ देखा। वो दोनों ऐसे एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे एंड देन धीरे धीरे विंग के आइस लंजे के आइस से लंजे के लिप्स की तरफ गया। लंजे भी विंग के आइस को फॉलो कर रहा था। लंजे को विंग के इंटेंशन समझ में आ गया तो वो लीन्ड हुआ एंड विंग के लिप्स में एक सॉफ्ट किस किया। उसके कुछ ही सेकेंड बाद विंग ने लंजे को किस किया एंड ये किस अब सॉफ्ट नहीं था, बहुत ही हीटेड था एंड पैशनेट था। वो दोनों बहुत ही डीप किस कर रहे थे एंड विंग का हाथ लंजे के पूरे बॉडी में रोमिंग कर रहा था। विंग ने बहुत ही जेंटली लंजा के शेष उतारा एंड देन वो अपने हाथों को लंजा के कपड़ों के अंदर लेकर गया एंड देन उसने लंजा के कपड़े को धीरे धीरे उतार दिया।
अब लंजा सिर्फ इनर रोब्स में था। लंजा ने विंग के कपड़ों को टाइटली जकड़ लिया। उन दोनों का सेंट बहुत ही वाइल्डली रूम पे फैल रहा था, जिससे उन दोनों का सेंट बिल्कुल मिक्स हो चुका था। लंजा का सेंट विंग से डिमांड कर रहा था टच के लिए, तो विंग रोल कर उठा। इतने टाइम से वो लंजा के लिप्स को किस कर रहा था, अब वो लंजा के नेक को किस करने लगा एंड सक करने लगा। उसका बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था लंजा को बाइट करने का, उसे मार्क करने का, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया। देन विंग ने अपने फॉरहेड को लंजा के फॉरहेड में रखा एंड बोधो ने एक दूसरे के आइज को ऐसे ही देख रहे थे। देन विंग ने कहा, लंजा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। ये बोलकर विंग ने लंजा के फॉरहेड पे किस किया, देन उसके नोज पे एंड देन फिर से उसके लिप्स में। ये किस और भी ज़्यादा हॉट था। विंग ने लंजा को अपने बाहों में उठाया एंड किस करते हुए ही उसे बेड की तरफ लेकर गया एंड बेड पे जेंटली लेटा दिया कंफर्टेबल पोजीशन पे, ताकि लंजा को कोई भी परेशानी ना हो। देन विंग लंजा के ऊपर आ गया एंड अब वो लंजा को देखने लगा। जब फर्स्ट टाइम वो दोनों ऐसे पोजीशन में थे तब सिचुएशन अलग था, तब एक वाइल्ड नाइट था विथ फुल ऑफ पैशन। तब उन दोनों के पास टाइम ही नहीं मिला था कि वो दोनों एक दूसरे के ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, बट अब विंग के पास वो चांस है। विंग देख रहा था लंजा कितना ब्यूटीफुल है, उसका सॉफ्ट जेट स्किन और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, उसका ईयर्स चीक्स एंड नेक बिल्कुल ब्लश कर रहा था। एंड विंग को फील हुआ कि लंजा के बॉडी के अंदर उन दोनों का बेबी है। लंजा सिंपली कितना स्टनिंग है एंड टुनाइट वो उसे स्पॉयल करेगा। अब विंग लंजा के इनर रोब्स को निकालने लगा। लंजा का सैंडलवुड सेंट विंग को और भी ज़्यादा क्रेजी कर रहा था। अब विंग लंजा के पूरे बॉडी को किस करने लगा एंड लंजा विंग के नाम से मॉर्निंग करने लगा। इससे विंग का माइंड और भी ज़्यादा क्रेजी हो रहा था। विंग लंजा के हर एक बॉडी पार्ट को किस कर रहा था एंड फील कर रहा था एंड लंजा ज़ोर ज़ोर से उसके नाम से मॉर्निंग कर रहा था। देन फाइनली विंग रुका एंड उसने अपने कपड़े उतारा एंड फ्लोर पे फेंक दिया केयरलेसली। देन वो फिर से लंजा को देखने लगा। लंजा भी विंग को बहुत ही लास्टफुली देखने लगा। ये देख के विंग ने स्मिक किया एंड फाइनली उन लोगों ने लव मेकिंग स्टार्ट किया। उनके लव मेकिंग के दौरान लंजा सिर्फ विंग का ही नाम लेता गया एंड ज़ोर ज़ोर से मॉर्निंग करता गया। इससे विंग को बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हुआ। पूरी रात उनका ऐसा ही गया। सुबह जब विंग का नींद खुला तब उसे बहुत ही वार्म फील हो रहा था अंदर ही अंदर, बट उसे फिजिकली वार्म फील नहीं हो रहा था। उसे फील हो रहा था कि बेड पे सिर्फ वो अकेला है एंड देन उसने नोटिस किया कि उसके सामने बेड का कर्टेंस पुल डाउन किया गया है विंग को छुपाने के लिए। तभी विंग को लास्ट नाइट की याद आ गई एंड उसके फेस में स्माइल आ गया। लास्ट नाइट के बाद विंग को ये रियलाइज़ हो चुका था कि लंचा बहुत ही ज़्यादा हॉर्नी है एंड डिमांडिंग है। ये नहीं कि विंग कंप्लेन कर रहा है, बट विंग बहुत ही सरप्राइज्ड है लंचा का ये साइड देख के। तभी विंग को इंसेंट बर्नर का एक स्मेल आया, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल, जैसे कि ये उसका एंड लंजा का सेंट को छुपाने के लिए जलाया गया है। विंग अभी तक फुल्ली जगा नहीं था एंड तभी उसे कुछ वॉयस सुनाई दिया एंड वो वॉयस लंजा का था। लंजा कह रहा था, लेडी वेन आप बहुत जल्दी आ गई, शिव में ही एंड चुनलिंग अभी तक आई नहीं है। ये सुन के विंग फुल्ली जग गया। लेडी वेन, इसका मतलब उसका बहन वेंचिंग? वेंचिंग यहाँ पर है डोर के सामने या फिर रूम के मिडिल में? विंग को आज समझ में आया, तो इसलिए लंजा ने उसे छुपाया है एंड इंसेंट बर्नर जलाया है। विंग कर्टेंस के और भी पास चला गया। उसे पता है कि ये बहुत ही रिस्की है, बट वो बहुत ही क्यूरियस भी है। वो छुपके से अपने सिस्टर को देखने लगा एंड जैसे ही उसने देखा कि उसके सिस्टर का फेस उसकी तरफ है, वो और भी ज़्यादा डर गया एंड पीछे हट गया। वेंचिंग ने कहा, कॉन्सर्ट लान प्लीज़ मुझे माफ़ करना, एक्चुअली मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि डॉक्टर वेन ने हमें बहुत जल्दी बुलाया है एक अर्जेंट मैटर में, मुझे अभी अभी ये न्यूज़ मिला है, तो मैं यहाँ पर जल्दी आ गया। एक्चुअली आई डोंट थिंक कि आज हम लेसन कर पाएंगे। ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया। अर्जेंट मैटर क्या हो सकता है एंड लेसन? विंचिंग किस लेसन की बात कर रही है? विंग फिर से कर्टन के पास चला गया एंड एक स्मॉलर गैप से देखने लगा। उसने देखा कि विंचिंग वहाँ से जा रही है एंड तभी विंचिंग डोर के सामने रुक गया एंड पीछे मुड़ा। ये देख के विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया। विंचिंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। ये देख के लंजा भी डर गया। उसने कहा, लेडी वेन? विंग फील कर सकता था कि लंजा कितना नर्वस है। तभी विंचिंग ने कहा,
एक्चुअली मुझे लगा कि मुझे कुछ स्मेल आया, मेरा मतलब। तभी वेंचिंग ने अपने हेड को शेक किया और कहा, एनीवेज शायद मेरा इमेजिनेशन होगा, प्लीज़ मुझे माफ़ करना कंसोर्टलान, मैं अभी जाता हूँ। ये बोल के वेंचिंग वहाँ से चली गई। एंड विंग ने एक डीप शाई किया, उसे बहुत ही रिलीफ फील हुआ जैसे ही लंजन ने दरवाज़ा बंद किया। लंजन ने कर्टन्स को डाउन कर दिया एंड तभी विंग को एक मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिला। एंड वो व्यू है उसका प्रेग्नेंट ओमेगा विथ स्माइली फेस। अब कुछ दिन बाद विंग को नियोसेन से एक और लेटर मिला था जहाँ पे लिखा हुआ था कि नियोसेन ने वेंचाओ के पीछे दो मोमेंट्स को भेजा है उसे स्पाई करने के लिए। एंड वेंचाओ सच में अभी ब्रोथल पे है। एंड इस तरह रिविलियन विलेज पे भी नियोसेन ने कॉन्टैक्ट किया है लीडर से एंड लीडर विंग से मिलना चाहता है। लीडर बहुत ही स्ट्रांग है, स्टबर्न है एंड वेन क्लैन से हेट करता है, तो नियोसेन ने उसे विंग का रियल आइडेंटिटी नहीं बताया है, ये विंग का काम है। वो लोग बहुत जल्द एक विलेज में मिलने वाले हैं एंड उस न्यू रिविलियन का नाम है शानशॉट कैंपेन। इस लेटर को पाने के एक हफ्ते बाद वेंचाओ अपने घर लौटा है एंड उसने अपने फादर को ये बताया है कि उसे वो रिविलियन मिल गया है एंड उसने उस रिविलियन के बारे में सारी डिटेल्स भी अपने फादर को बताया है। ये सुन के वेन रोहन खुश हो गया। वेन रोहन ने विंग से पूछा कि उसका क्या राय है, तो विंग ने कहा कि वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, वेंशु विंग के पास आया। उसने कहा, जनरल वी, शायद आपका मूड बहुत ही अच्छा है आज, क्या कोई अच्छा ओमेगा मिला है तुमको? मैंने सुना है कि तुम्हारा एंड उस मिलिटरी हेड किचन का कुछ चक्कर चल रहा है, तुम दोनों ऑफिस में ही, क्या तुम अपने चेंबर से बोर हो गए हो? ये सुनकर विंग ने एक फेक स्माइल किया और कहा, ओ लेडीज हो, बट आई एम रियली सॉरी प्रिंस वेंशु, आपको डिसअपॉइंटेड फील होगा बट मैंने उससे कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर प्रिंस हंस उठा। उसने कहा, रियली सच में, क्या वो प्रिटी नहीं है? मैंने सुना है बहुत सारे सोल्जर्स उस पर मरते हैं, वो बहुत ही अच्छा बेट वार्मर है। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा आप तो ऐसे बोल रहे थे जैसे आपको एक्सपीरियंस है। ये सुनकर वेंशु ने कहा, हाँ बट वो लांग वांगची की तरह नहीं है। जनरल वी, मुझे पता है कि आपने कहा था कि लांगवांग जी इतना भी वंडरफुल नहीं है, फाइन है एंड बिलीव मी मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सच में फाइन से भी ज़्यादा फाइन है। मुझे अब रिग्रेट होता है कि मैंने जल्दी ट्राई नहीं किया था, बट तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया था कि वो कितना अच्छा है बेट पे? मैंने तुम्हें उसके साथ शेयर किया एंड तुमने मुझे अपने एक्सपीरियंस भी नहीं बताया। ये सुनकर विंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी वेंशु को मार दे, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि अब वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके गुस्से के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होगा तो उसे चुप ही रहना होगा। बट वेंशु यहाँ पर ही नहीं रुका, वो और भी ज़्यादा कहता गया एंड लंजे के बारे में ये सब सुन के विंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो वेंशु की तरफ ग्लेयर करने लगा एंड वेंशु स्मिर्क करने लगा। देन कुछ दिन बाद वेंजुलो ने उस रेविलियन के बारे में बहुत इन्वेस्टिगेशन किया एंड राजा को दिया एंड वेन रोहन ने ऑर्डर दिया है कि नेक्स्ट टाइम वेंशु एंड वेंजुलियो जाएगा उन रिविलियंस को मारने, वो भी नेक्स्ट वीक। ये देख के विंग ने नियोसेन को लेटर भेजा कि उन्हें जल्दी मीटिंग करना होगा वरना नेक्स्ट वीक वेंशु एंड बाकी सब जाएंगे उन्हें मारने के लिए। तो नियोसेन ने भी लेटर भेजा कि वो लोग दो दिन में ही मीटिंग करेंगे। नियोसेन ने उन्हें प्लेस के बारे में भी बताया है। अब दो दिन बाद मीटिंग के लिए विंग सही जगह पर पहुंच गया। विंग ने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग थे, स्पेशली वहाँ पे 3 अल्फाज थे। उनमें से एक अल्फा को विंग जानता है जो कि एक फीमेल है। वो जिन क्लैन के फेमस जनरल है जिसका नाम है लुओ चिंगयांग। विंग मास्क पहना हुआ था, वो लुओ चिंगयांग को देख रहा था। वो इसे पहचानता है क्योंकि विंग को याद है कि जब वो लोग नॉर्मल सोल्जर्स थे तब मिस लुओ ने उसे एक बार थप्पड़ मारा था। ये सोचते हुए विंग ने अपने गालों पे हाथ रखा एंड मिस लुओ ने ये चीज़ देखा। मिस लुओ ने स्माइल किया एंड वो विंग के पास आया। विंग अभी तक मास्क पहना हुआ था बट फिर भी मिस लुओ ने कहा, जनरल वुशियान, आपको देख के सरप्राइज लगा। ये देख के विंग ने हंसा एंड अपना मास्क उतारा। उसने कहा, सेम फॉर यू जनरल लुओ। मिस लुओ ने कहा, मैं तो यहाँ पर आई हूँ क्योंकि प्रिंस नियोसेन ने कहा है कि आज हम वार्ड के बहुत ही इंपॉर्टेंट एली से मिलने वाले हैं। ये बोल के मिस लुओ ने स्मिक किया और कहा, मुझे पहले ही समझना चाहिए था कि योंदाओ मीन्स आप ही होंगे। ये सुनकर विंग ने कहा, अब ऐसे ही मत बोलिए जनरल लुओ, हम तो मैच है, देखिए योंदाओ एंड मिया मिया।
ये सुन के निये ओसन खांसने लगा एंड बाकी सब अपने हेड को शेक करने लगे। अब वो लोग एक जगह पर बैठ गए एंड सब लोग प्लान के बारे में बात करना स्टार्ट किया। उस मीटिंग में सिर्फ लुओ चिंगयांग ही नहीं थी, इनफैक्ट अल्फा जियांगचैंग भी था एंड रेवल्स का लीडर सॉन्ग लांग भी था। उन लोगों ने प्लानिंग किया। उन लोगों का प्लान ये था कि वो लोग ओवेन रोहान को पॉइजन से मारेंगे, क्योंकि उसे सीधा सीधा तो नहीं मारा जा सकता, तो पॉइजन से ही मारना होगा। तभी विंग ने कहा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तब तक जब तक डॉक्टर ओवेन जिंदा रहेंगे, पहले उन्हें मारना होगा। तो उन लोगों ने प्लान किया, जब ओवेन शू रेवल्स को मारने के लिए बाहर जाएगा तब उस पर अटैक किया जाएगा जो सॉन्ग लैंग करेगा, एंड देन उसे ट्रीट करने के लिए डॉक्टर ओवेन आएंगे एंड तभी डॉक्टर ओवेन को मार दिया जाएगा। सब लोग इस प्लान पर राजी हो गए। दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि ओवेन रोहान के बाद राजा कौन बनेगा। सब लोग कह रहे थे कि राजा सॉन्गलैन बनेगा। सॉन्गलैन ने कहा कि वो राजा नहीं बनेगा। तभी नियोसेन ने कहा राजा विंग बनेगा। ये सुनकर सब लोग शॉक्ड हो गए, विंग भी। तभी नियोसेन ने कहा, विभूषियान आप शॉक्ड क्यों हो रहे हैं, आपको तो वांग जी ने पहले ही बता दिया था, तो आप मना मत कीजिएगा वरना वांग जी बहुत ही ज़्यादा सैड एंड डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। तभी बाकी सब लोगों ने कहा, अगर जनरल वी राजा बनते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लांग वांग जी उस पर बिलीव करते हैं, इसका मतलब वो बिलीव के लायक है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वो लोग सोच रहे थे कि प्लानिंग कब से स्टार्ट किया जाएगा, ओवेन रोहान को मारने के लिए। तो विंग ने कहा, अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। ये सुनकर जियांगचेन ने कहा, कुछ टाइम बाद क्यों, अभी क्यों नहीं। तो विंग ने कहा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए मेरे सोल्जर्स को मनाने के लिए। बट मनी मन में विंग सोच रहा था कि लंजा अभी प्रेग्नेंट है एंड वीक है, जब तक चाइल्ड दुनिया में ना आ जाए तब तक लंजा स्ट्रांग नहीं होगा। चाइल्ड आ जाने के बाद ही लंजा थोड़ा स्ट्रांग हो पाएगा एंड अपने आप को डिफेंड कर पाएगा, तो उससे पहले विंग ये ट्रैवल नहीं चाहता, तो उसने कहा उसे थोड़ा टाइम चाहिए एंड सब लोग मान भी गए। देन मीटिंग डिसमिस हो गया। मीटिंग हो जाने के बाद विंग चुपचाप बैठा हुआ था एंड लंच के बारे में सोच रहा था। उसके फेस में ऑटोमेटिक स्माइल आ गया। वो उन दोनों के रोमांटिक टाइम के बारे में सोच रहा था। तभी उसके पास नियोसन आया। नियोसन ने कहा, क्या बात है, क्या आप वांगजी के बारे में सोच रहे हैं, आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये सुनकर विंग ने ग्लेयर किया, क्योंकि ऑफकोर्स वो नियोसन को सब कुछ नहीं बता सकता। तभी उन लोगों ने देखा कि सॉन्गलैन एक वाइट कपड़े पहने किसी इंसान के साथ वहां से चला गया। ये देख के नियोसन ने कहा, वो उसका हस्बैंड है सियाओ जिंगचेन। तभी विंग ने पूछा, नियोसेन आपने ऐसा क्या किया जो सॉन्गलैन इसके लिए मान गया। नियोसेन ने कहा, मैंने उसे एक ऑफर किया, मैंने कहा कि अगर वो ये काम करेगा तो मैं उसके हस्बैंड के आइज के ऑपरेशन के लिए अच्छा डॉक्टर दूंगा। ये सुन के विंग ने पूछा, तो आपके पास अच्छा डॉक्टर भी है। नियोसेन ने कहा, ऑफ कोर्स मेरे पास सब कुछ है। ये बात नियोसेन ने प्लेफुली कहा तो विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन वो वेन क्लैन में वापस आ गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट, मुझे ज़रूर बताना हाँ। एंड अगर आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।